नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज एक अमेजोन से एक डिलीवरी रिसीव किया हूं दोस्तों, और वो है एसजी कैम का एक्शन कैमरा। आप देख सकते हैं इधर, ये एक्शन कैमरा का आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे दोस्तों। इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, और ये किस किस को लेना चाहिए। ये खूब बहुत ही बजट फ्रेंडली एक एक्शन कैमरा है मॉडर्न डे के लिए। तो चलिए पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इस पैकेट के अंदर क्या क्या मिल रहा है वो सब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले इसका जो ऊपर का प्लास्टिक का केस है उस केस को मैं हटा देता हूँ। यह मैं इसको ये प्लास्टिक का केस में हटा दिया। इसके अंदर कुछ इधर सीरियल वगैरह था, इसको मैं पता नहीं ये बाद में जरूरत होगा कि नहीं, लेकिन मैं इसको संभाल के रखूंगा। तो चलिए ये है पैक दोस्तों, और यहाँ पर इसका आप सील देख सकते हैं। यहाँ पर यह सील लगा हुआ है, और इसी सील को हम धीरे से इसको खोलेंगे। ये इसको खोल दिया दोस्तों, ये खुल गया है, और ये एक्शन कैमरा दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं, बहुत ही ये केस के अंदर आ रहा है। ये थोड़ा सा भारी है दोस्तों, ये एक्शन कैम इस केस के अंदर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं साइड में रख रहा हूँ, और इसके अंदर मुझे और क्या मिल रहा है उसको भी, और एक पैकेट है इसके अंदर। ये पैकेट में क्या आता है, शायद चार्जर वगैरह होगा, इसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये इसके अंदर ये एक क्लीनिंग क्लॉथ दिया गया है, एसजी कैम का आपको एक स्टिकर दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक क्लीनिंग क्लॉथ। इसको भी साइड में रखते हैं, और ये दोस्तों एक बैक केस दिया गया है वाटरप्रूफिंग के लिए शायद। और इसके अंदर दोस्तों ये एक चार्जिंग केबल दिया गया है यूएसबी सी टाइप, और इसके साथ ये ग्रिप दिया गया है दोस्तों एक माउंट करने के लिए, ये एक ग्रिप है। और इसके साथ क्या क्या आ रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक माउंट का कुछ पार्ट्स दिया गया है, बाइक पे आप माउंट कर सकते हैं इसको, तो ये माउंट का एक पार्ट्स दिया गया है। और इसके अंदर एक और दूसरा दो ग्रिप एक्स्ट्रा दिया गया है, और इधर एक जो लेंस का कवर है वो उस लेंस का गार्ड दिया गया है दोस्तों। तो यही था इसके अंदर, और ये है ये एसजी कैम डुअल स्क्रीन है दोस्तों। चलिए इसका फीचर्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, इसके साथ हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है। चलिए ये जो कैमरा है दोस्तों, इस कैमरा का सबसे खास बात है ये डुअल स्क्रीन है। मतलब जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते समय आप पीछे से, मतलब अगर आप सेल्फी कैमरा से कर रहे हैं, सेल्फी मोड से अगर आप कुछ बोल रहे हैं स्क्रीन पे, तो दोस्तों क्या होता है कि आप स्क्रीन को देख नहीं सकते, तो इसलिए इसका एक फ्रंट मोड दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं ये वाला, तो इससे क्या होता है दोस्तों, आप फ्रंट से भी आप अपना मॉनिटर कर सकते हैं कि आपको आपका फ्रेम कैसा है दोस्तों। और ये 30 मीटर वाटरप्रूफ विथ दी केस, मतलब इस केस के साथ, ये जो केस इसके साथ अटैच हुआ है दोस्तों, इसके साथ ये 30 मीटर तक ये पानी के अंदर जा सकता है दोस्तों, मतलब ये खराब नहीं होगा। 30 मीटर डीप तक ये पानी का जो प्रेशर है उस प्रेशर को सह लेगा दोस्तों। ये वाईफाई एनेबल्ड है, और ये 2.4 GHz स्पीड में ये कनेक्टिविटी करता है दोस्तों, मतलब मोबाइल से अगर आप ट्रांसफर करेंगे इमेजेस को, वीडियोस को, तो दोस्तों ये बहुत ही फास्ट ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। 4K 30 FPS दोस्तों, 4K 30 FPS, मतलब ये 4K में शूट करेगा और 30 FPS पे शूट करने का ये कैपेबल है दोस्तों। और इसका जो स्क्रीन साइज है दोस्तों, ये 2.33 फ्रंट, जो फ्रंट बैक स्क्रीन है, तो बैक स्क्रीन दोस्तों इसका 2.33 इंच का है, और फ्रंट जो स्क्रीन है ये 1.3 इंच इसका डुअल स्क्रीन पे मिलता है।
स्टार नाइट विजन, मतलब इसमें नाइट विजन भी दिया गया है। अगर आप रात में व्लॉगिंग कर रहे हैं, किसी भी जगह घूमने गए हैं, तो ये स्टार नाइट विजन, मतलब नाइट विजन इसमें है दोस्तों। और स्मॉल एंड पोर्टेबल, स्मॉल तो है ही दोस्तों, बहुत ही स्मॉल कैमरा है, और बस हर हर रिस्ट पुष्ट लग रहा है मुझे, अच्छा ही लग रहा है। तो इसको खोल के हम बाद में इसका और एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें चिप नोवा टेक 96675 का इसमें चिप दिया गया है। सेंसर IMX335 सोनी का ये सेंसर यूज़ करता है। बैक स्क्रीन और फ्रंट स्क्रीन के बारे में तो बता दिया, और इसका वीडियो रेजोल्यूशन 4K 30 FPS तक है दोस्तों। वीडियो एनकोडिंग H.264 एंड H.264 और H.265 में ये एनकोडिंग करता है, मतलब साइज बहुत ही छोटा होने वाला है और क्वालिटी बहुत ही हाई होने वाला है दोस्तों। फोटो रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल के इसमें कैमरा दिया गया है। वाटरप्रूफ विथ दी केस, वाईफाई, रिमोट कंट्रोल ऐप एंड रिमोट कंट्रोलर, डिजिटल जूम सपोर्ट, चार्जिंग कनेक्टिंग टाइप सी टाइप, बैटरी कैपेसिटी 1200 mAh की बैटरी है दोस्तों। यही था इसका छोटा सा रिव्यू दोस्तों, अब इसका टेस्ट वेस्ट सब करेंगे। तो दोस्तों जुड़ रही है मेरे चैनल से इसका जो फुटेज है उस फुटेज को देखने के लिए। दोस्तों मैं आज जो मेरा SD Cam 812 जो कैमरा मैंने नया लिया हुआ एक एक्शन कैम, इसी का टेस्ट फुटेज, इसका जो टेस्ट वीडियो है उसी के लिए आज मैं बाहर निकला हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरा जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, 170 डिग्री एंगल का ये व्यू है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका टेस्ट फुटेज है और इसका क्लैरिटी, इसका जो कलर से वो भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये 180p 30 FPS में शूट हो रहा है दोस्तों, ये इसका टेस्ट फुटेज है। चलिए इसको लेके हम अभी चलते हैं। और इसका जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी आप देख सकते हैं कितना ये इमेज स्टेबल, इमेज को स्टेबल कर रहा है। चलिए इस तरफ जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त ये आप देख सकते हैं इसका टेस्ट फुटेज। मैं जब इसको अपलोड करूंगा दोस्तों तो इसको कलर करेक्शन और इसका जो बेसिक एडिटिंग है वो भी नहीं करूंगा, सिर्फ रॉ फुटेज को ही आपको अपलोड कर दूंगा ताकि एक ऑनेस्ट व्यू आपको दिख सके। और जो सोच रहे कि ये एक्शन कैम लेना चाहिए कि नहीं, उसको एक क्लियर व्यू मिल जाए कि इसका क्वालिटी और इसका जो साउंड क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, क्लैरिटी है, इसके ऊपर कोई डाउट ना रहे आप लोगों को।